राम कृष्ण हरि। आज 27 जुलाई यानी कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति तथा महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब इनका स्मृति दिन। आज उनके स्मृति दिन के अवसर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने जो विश्व के लिए मोटिवेशनल थॉट बताए थे, वही थॉट्स मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। कलाम साहब हमेशा कहते थे स्कूल के बच्चे के बारे में, जो स्कूल के बच्चे पीछे बैठते थे, सब लोग उनको बोलते थे कि पीछे बैठता है लड़का। स्कूल में से बच्चे भी बोलते थे ये लड़का तो पीछे बैठता है, कुछ काम का नहीं। इस लास्ट बेंच पर बैठने वाले बच्चों के लिए कलाम साहब क्या कहते थे मालूम है? वो कहते थे इस देश के सबसे अच्छे दिमाग, इस देश के सबसे अच्छे दिमाग क्लास के लास्ट बेंच पर ही मिल सकते हैं। जी हाँ, सच। कलाम साहब सपने देखने बारे में जो सोचते लोगों की, हमेशा कोई सोचता है कि मैं सपना देखता हूँ सक्सेस नहीं होता, सक्सेस नहीं होता, लेकिन सपना किस तरह से देखना चाहिए इसके बारे में कलाम साहब कहते थे, सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। सपने के बारे में तो कलाम साहब की राय तो बिल्कुल सच में अवर्णनीय थी। स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड देखते हैं ना, उनके बारे में भी कलाम साहब कहते हैं। जो ब्लैक बोर्ड को बुरा माना जाता है ना, उसके बारे में कलाम साहब क्या कहते हैं? ब्लैक कलर इज अ सेंटिमेंटली बैड, ब्लैक कलर इज अ सेंटिमेंटली बैड, बट एवरी ब्लैक बोर्ड मेक्स द स्टूडेंट लाइफ ब्राइट। ब्लैक कलर जो बुरा होता है, लेकिन वही ब्लैक कलर का ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट का ब्राइट फ्यूचर बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। ब्लैक बोर्ड से हम इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। कलाम साहब कहते हैं कि आप कामयाब कब होंगे, कामयाब का आपको कब महसूस होगा, तब कलाम साहब के थॉट्स के बारे में वही बोलते थे कि जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, मान लीजिए आप कामयाब हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। बड़ा आदमी होने के बाद लोग आपने से सिग्नेचर लेते हैं, उस दिन कामयाबी महसूस होती है। कलाम साहब हमेशा कहते थे, जो लोग सारे की जरूरत ढूंढते उनके बारे में कहते थे, बारिश के दौरान सारे पंछी आश्रय की तलाश करते हैं, बारिश के दौरान सारे पंछी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर लेते हैं। जी हाँ, समस्या कॉमन है, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफेंस पैदा करता है। बिल्कुल सही कहा है कलाम साहब। जो लोग मस्ती करते, झगड़े करते, प्यार से नहीं रहते, नफरत पैदा करते दुनिया में, उनके बारे में कलाम साहब की राय बिल्कुल थी। प्यार करने के लिए तो ये जिंदगी भी कम पड़ जाती, प्यार करने के लिए तो ये जिंदगी भी कम पड़ जाती है, पता नहीं लोग नफरत के लिए वक्त कहाँ से निकाल लेते, पता नहीं लोग नफरत के लिए वक्त कहाँ से निकाल लेते। जी हाँ दोस्त, आज APJ अब्दुल कलाम के स्मृति दिन पर इतना ही, उनको विनम्र अभिवादन।